Today we are starting with hello Kane and nomenclature you have done in class plus one. I am starting with the preparation itself. Okay, how to prepare hello Kane? So first is from alcohols. From alcohol, there are four methods you can treat with HX. You can treat with like PCl5 or PCl3, that is phosphorus halides, then with the thionyl chloride. ओके दिस इज अ थायोनाइक्लोराइड. अगर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो बेटे ये मेथड है, इसे कहते हैं डार्जन्स प्रोसेस. और ये क्यों इम्पोर्टेंट आई विल टेल यू. दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन ऑल्सो एंड इट इज इम्पोर्टेंट एज इट गिव यू गुड प्रोडक्ट एंड वाई विल डू. ओके सो यू कैन कंक्लूड दीज टू इन द फॉस्फोरस हैलाइड्स. चलो जी अब स्टार्ट करें. सो फ्रॉम एल्कोहल व्हेन रिएक्टिंग विद HX यू हैव दिस एल्कोहल. For example, you have ethanol. R का मतलब कोई भी ग्रुप, उसको आप HCl के साथ ट्रीट करो. अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इट इज HCl गैस. इफ द अल्कोहल इज प्राइमरी वन, यू विल गेट बेटे RCl लाइक CH2 5 Cl plus the removal of water. And in the here the catalyst is anhydrous zinc chloride. The catalyst you are using here is anhydrous zinc chloride. Ab bete ise Groves process kehte hain. The name of the process is Groves process. And the reagent that is anhydrous zinc chloride plus HCl is a Lucas reagent. अच्छा अब ध्यान से बेटे, I have taken primary alcohol, I have taken anhydrous zinc chloride in the arrow. ये मैंने क्यों लिया बेटे, ये एक Lewis acid है. इस रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स बनते हैं. ठीक है, अब ये जो लुईस एसिड है वो इस लोन पेयर पे जाके अटैक करता है, ये बॉन्ड की क्लीवेज अच्छे से करवा देता है. और ये हमें पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज नॉट सो मच स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी. द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. तो आप याद रखो बेटे, जब हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं तो हमारे कार्बोकेटाइन्स बनते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन को सिंथेसाइज करना इतना इजी नहीं होता. एक बार ही केटाइन बन जाता है, उसके बाद यहाँ पे आके Cl नेगेटिव अटैक करता है और आपके पास एथाइल क्लोराइड बनता है. ठीक है, ओके. मगर जब हमने प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाना है तो हमें एक कैटलिस्ट देना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट देना पड़ेगा. अब प्राइमरी से एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाना हमारे लिए फिर मुश्किल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी या टर्शरी से. अगर आप टर्शरी को ही HCl के साथ रिएक्ट कर दोगे विदाउट एनी कैटलिस्ट तो आपको अपना प्रोडक्ट वैसे ही मिल जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जब टर्शरी अल्कोहल लोगे तो यू विल गेट टर्शरी कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन.
तो इट विल अगर टर्शरी है आपके पास एंड इफ यू विल वर्क विद HCl विद द गैस, ठीक है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड यू विल गेट टर्शरी एल्काइल हैलाइड या एलोएल्केन एट रूम टेम्परेचर ओनली, RT एट रूम टेम्परेचर ओनली. सो गॉट द पॉइंट बेटे. अब ऑर्गेनिक भी लाइक पी ब्लॉक इज टू मच लेंथी. आई विल टेल यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, तो उस पर ज्यादा एम्फोसाइज करना. अब इसमें ये ग्रूव्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एल्कोहल की प्रिपरेशन में दिस प्रोसेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज टर्शरी सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ओके, चलो HCl के साथ हमने रिएक्ट कर लिया, क्या HBr के साथ इतना ईजी है? अगर हम एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, लेट अस सी. अगर आपके पास बेटे एल्कोहल है एंड HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट एल्काइल ब्रोमाइड लाइक इथाइल ब्रोमाइड गिविंग यू वाटर. और हियर आई एम राइटिंग रिफ्लक्स. कोई भी एल्कोहलिक रिएक्शन होती है बेटे उसको कंडेंसर में किया जाता है, क्योंकि इथेनॉल का कोई भी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो आप रिफ्लक्स लगाते हो कि जब इथेनॉल इवेपोरेट कर रही है वो वापस आ जाए. जो HBr है उसके साथ इट विल नॉट रिएक्ट डायरेक्टली. दिस HBr इज प्रिपेयर्ड इन situ. इन situ का मतलब होता है जब रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है, रिएक्शन चल रही होती है. ये बनता कैसे है, हम अपना RBF लेते हैं, उसमें अल्कोहल डाल देते हैं, उसमें ही KBr डाल देते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ये दोनों मिक्स होके हमें HBr देते हैं. इन situ मतलब जो रिएक्शन चल रही हो तभी बनाया जाता है, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ये मिलता है. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ इन situ. तो हम डायरेक्ट HBr हमारे पास लैब में नहीं होता, तो विल प्रिपेयर इन द इन situ कंडीशंस. लाइकवाइज अगर हमने HI के साथ रिएक्ट करना हो तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा. If I am taking again बेटे ethanol an example, you can take any alcohol. So I will get this product. Now this HI is also prepared in situ. This HI is also prepared in situ, but not with the sulfuric acid, because sulfuric acid is oxidizing agent for it. It is prepared in situ in the presence of phosphoric acid. ठीक है बेटे, it is prepared in situ. In situ again when the reaction is going on. When the reaction is going on. ठीक है, then it is prepared in situ. Oh, right here KI. So KI and phosphoric acid combine होके HI बनते हैं. अब हमने जैसे KBr और sulfuric acid को react किया, तो KI और sulfuric acid को क्यों नहीं react किया? This is very important. क्यों नहीं react किया बेटे? क्योंकि ये जो sulfuric acid है it is very good oxidizing agent. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आयोडीन से HI से आयोडीन मिलती है. अगर आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है. दैट इज वाई हम कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते HI बनाने के लिए, ठीक है. चलो ये जो डिटेल्स हैं बेटे ये नीट्स एंड JEE के लिए हैं. अदरवाइज आपने ये याद रखना है कि एल्कोहल से
अगर हमने क्लोराइड आयोडाइड ब्रोमाइड बनानी हो तो आप HCl, HBrn इस सिलेक्ट करोगे। अभी तक ग्रूव्स प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, ठीक है। उसके बाद लेट मी टेक अदर फॉस्फोरस हलाइड्स। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस हलाइड्स विच कंसिस्ट ऑफ लाइक इफ आई एम टेकिंग इथेनॉल आई विल टेक PCl5, इफ आई एम टेकिंग इथेनॉल आई विल टेक PCl3। जैसे कि हमने इन C2 बनाए थे बेटे HBr एंड HI, Br, PBr3 वगैरह भी इन C2 ही बनते हैं, ओके। अगर ये दोनों हम बना क्या रहे हैं, वी आर बनाइंग एल्काइल हैलाइड, वी आर सिंथेसाइजिंग एल्काइल हैलाइड, तो पहले तो हैलाइड ही बना दो। कौन सा हैलाइड बनेगा? क्लोराइड वाला बनेगा, ठीक है। जब PCl3 हो तो यू विल गेट फॉस्फोरस एसिड, एंड व्हेन PCl5 इज देयर देन यू कैन गेट दिस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। अब बेटे पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये इक्वेशन, ये रिएक्शन इट्स नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबराइज्ड, ठीक। सी बेटे इन ऑर्गेनिक या तो आपको नेमिंग रिएक्शन आती है या कन्वर्जन्स आती हैं, है ना। अगर कन्वर्जन आएगी, हमें अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, हमें ज़रूरी थोड़ी ना हम यही रिएक्शन ऑप्ट करें। वी कैन गो फॉर द ग्रुप्स प्रोसेस और या नेमिंग रिएक्शन। तो जिनको ज़्यादा सिलेबस लगता है दे कैन एग्जम्प्ट दिस रिएक्शन, ओके, दे कैन एग्जम्प्ट दिस रिएक्शन। अदरवाइज रिएक्टिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स वी विल गेट दिस वन, ओके। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन नेक्स्ट रिएक्शन को कहा जाता है बेटे डार्सन्स प्रोसेस। इन विच यू आर ट्रीटिंग अगेन एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, इसे कहा जाता है थायोनाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन हम सॉल्वेंट लेते हैं जो एरो के ऊपर होता है, या तो वो रिएक्शन कंडीशन होती हैं या आपका सॉल्वेंट होता है कुछ भी, ठीक है, या आपका कैटलिस्ट होगा, ओके। पिरिडीन के साथ रिएक्ट करोगे बेटे यू विल गेट इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड HCl गैस। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये नेमिंग रिएक्शन है, एक हमें ये प्योर प्रोडक्ट देती है, जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं वो गैसेस होती हैं जो इवेपोरेट कर जाती हैं। जब कन्वर्जन्स करते हो तो डार्सन्स प्रोसेस को ध्यान रखा करो, कन्वर्जन्स में आपने डार्सन प्रोसेस ही यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास टाइम नहीं है उसको प्योरीफाई करने का, ओके बेटे जी। सो एल्कोहल से प्रिपरेशन The important one are, first we have done Grubbs process, ठीक, alcohol plus HX के साथ treat करोगे तो हम आगे टेस्ट भी करेंगे, Lucas test, उसमें हम कहेंगे tertiary alcohol जल्दी देगा turbidity, secondary alcohol थोड़ा 10 minutes late और primary alcohol तो देगा ही नहीं, क्योंकि carbocation बनने इतने easy नहीं होते, ठीक है बेटे। अगर हम डार्सन प्रोसेस करते हैं कन्वर्जन्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें फ्रॉम एल्कोहल में एक तो डार्सन प्रोसेस, एक ग्रूव्स प्रोसेस हमेशा याद रहना चाहिए, ओके। अब आ जाओ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स तो हाइड्रोकार्बन्स में जो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? एल्केन्स, एंड दिस रिएक्शन वी हैव डन इन क्लास प्लस वन ऑल्सो, ठीक है। तो CH4 की जब हमने ये इवन 10th की भी है, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बने थे एंड दिस रिएक्शन कॉन्टिन्यूज।
क्योंकि रिएक्शन कॉन्टिन्यूज होती है, इसलिए हम लैब में सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वी कांट यूज दीज इन द लैब्स, तो ये कॉन्टिन्यू होती रहेगी. तो दिस इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये प्लस वन तक इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि जो चीज़ रुकी नहीं रही है और हमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जिससे उस रिएक्शन को करके क्या लेना हमने, तो इट विल की मूविंग एंड मूविंग. ठीक है, तो दिस इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ठीक, ये रिएक्शन चलती रहती है, मिक्सचर है, इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो वी विल अवॉइड डूइंग दिस रिएक्शन. ओके, वी विल अवॉइड डूइंग दिस रिएक्शन. ये तो हमने की अल्काइल हैलाइड बना ली, सेम वे अल्काइल आयोडाइड हमने वैसे ही बनानी सीखी है. अगर आपने अल्काइल आयोडाइड या हेलो, हेलो मीन्स एल्केन, हेलो मीन्स आइडो एल्केन आपने बनानी है, जिसे हम आयोडाइनेशन भी कहेंगे, तो अगेन वी विल डू द सेम रिएक्शन, विल टेक लाइक मिथेनॉल प्लस आयोडीन, तो मिथाइल आयोडाइड प्लस एच आई. अब दिस एच आई इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन, ये फिर से हाइड्रोजन देता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है. अब इसको रोकने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल एच एन ओ थ्री या एच आई ओ थ्री. तो एच आई इस रिएक्शन मिक्सचर में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, और ये खुद ही इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये पीछे नहीं जाएगी, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बेटे इसमें. अगेन दिस इज क्लास प्लस वन, तो दिस इज ऑल्सो लीस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक बेटे, बट एज इट इज गिवन इन द बुक वी आर डूइंग इट. सो दिस आयोडिनेशन रिएक्शन अकर लाइक दिस. नाउ फ्लोरिनेशन, हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते कभी भी, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन आप कभी नहीं करवा सकते. क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि जो एफ टू मॉलिक्यूल है, जब वो ब्रेक होता है तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. तो हम क्या करवाते हैं, हम हैलोजन एक्सचेंज करवाते हैं. हम कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, हम स्वार्ट्ज रिएक्शन करवाते हैं. ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, हम पहले ही कोई अल्काइल हैलाइड ले ली, अल्काइल ब्रोमाइड ले ली, अल्काइल आयोडाइड ले ली, कुछ भी, उसको इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ रिएक्ट किया जाता है, कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ. ठीक, तो आपके पास फ्लोराइड बन जाती है और ए जी सी एल बन जाएगा, हुआ ना ये हैलोजन एक्सचेंज. और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटे, स्वार्ट्ज रिएक्शन. ठीक है, रिमेंबर एल्केन से आप सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बना सकते हो. अगर आपको एल्कीन से हम फ्लोराइड सीधा नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन का जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो हमें हैलोजन का एक्सचेंज करवाना पड़ता है एक हिसाब से, एंड दिस इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन. ओके बेटे, दिस इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन. दिस वी हैव डन इन क्लास प्लस वन ऑल्सो. एंड रिमेंबर, नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक में आपने कभी नहीं छोड़ा. नेमिंग रिएक्शंस आर बेटे टू मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, देन आफ्टर दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आई एम टेकिंग द नेमिंग रिएक्शन हेयर, क्योंकि नो डाउट इट इज नॉट फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन. आपने एक एक्सचेंज सीखी है तो एक और एक्सचेंज सीख लो, इसे ही कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. This is not from hydrocarbons, yet
two exchange we will do parallel, that is halogen exchange again. और इस एक्सचेंज में सिर्फ आप आइडो एल्केन बनाओगे. यू विल सिंथेसाइज ओनली आइडो एल्केन्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन. यू विल टेक एनी एल्काइल हैलाइड ट्रीटिंग विद सोडियम आयोडाइड in presence of acetone as a solvent, you will get iodide plus NaCl. So this is also a halogen exchange. मगर इसमें जो reactant है हमेशा आपने sodium iodide लेना है और जो solvent है हमेशा acetone लेना है. ठीक है बेटे, this reaction is very 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 important. ओके हम सिर्फ हैलोजन एक्सचेंज एन ए आई के साथ ही करते हैं, एन ए सी एल या एन ए बी आर के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि एन ए सी एल एंड एन ए बी आर लेस सॉलेबल इन एसीटोन. अगर लेस सॉलेबल हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है, और इसको सॉलेबलाइज करने के लिए हम वाटर नहीं यूज कर सकते क्योंकि वाटर भी इसके साथ रिएक्ट कर सकता है. बेटे सॉल्वेंट हमने दोनों के लिए एप्रोप्रिएट देखना होता है. जैसे सब्जी बनाते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सेम थिंग. यू आर कुकिंग फूड तो यू नीड सम काइंड ऑफ ऑयल और वाटर टू मेक दैट डिश. ऐसे कढ़ाई में अगर इंग्रेडिएंट चढ़ा दोगे तो वो जल जाने हैं. ठीक है, अगर आपने अपनी कढ़ाई में ये दोनों डाले हैं तो आपको वाटर जो आपका सॉल्वेंट है उसकी ज़रूरत है. इस केस में सॉल्वेंट एसीटोन है. अगर आप एरो के ऊपर एसीटोन नहीं लिखोगे यू विल गेट जीरो मार्क्स क्योंकि आपका सब्जी तो बनी नहीं, जल गई है. इफ यू आर नॉट गिविंग वाटर इन योर प्रेशर कुकर और आपने दाल चढ़ा दी तो इट विल जल जाएगी सारी. तो ये रिएक्शन कंडीशन आप देखा करो ध्यान से. ठीक है, एसीटोन इज वर्किंग एज सॉल्वेंट हियर. It helps to dissolve both of them. अगर dissolve होंगे तो ionize करेंगे और react करेंगे. NaCl और NaBr doesn't react. क्यों? क्योंकि वो acetone के अंदर soluble नहीं होते और water as a solvent हम ले नहीं सकते. तो हमेशा याद रखना, this is again बेटे important. That is a naming reaction. And why I have taken? Because we are studying before also naming halogen exchange kind of reaction. This was also a halogen exchange. See, in this you have exchange fluorine, and this reaction, जिसमें अकेली fluorides बनती हैं, iodo alkanes इसमें बनती है, fluoro alkanes या alkyl fluorides इसमें बनती हैं, इसे कहा जाता है Schwartz reaction, and this reaction is known as Finkelstein. This is again a naming reaction. That is why it's very very important. ठीक? तो you want to convert. आपको सीधा नहीं कभी कभी naming आती. Now you are in class 12th. आपको कुछ भी दे दिया जाएगा. Convert butanol into like butyl chloride. Convert butanoic acid. हम पीछे से start करेंगे जब हम acid करेंगे. To ब्रोमो ब्यूटेन. तो यू विल बी इंटरलिंकिंग ऑल द चैप्टर्स विद ईच अदर. ठीक है, तो कन्वर्जन्स आती हैं दो तीन नंबर की. पहले तो हम नेमिंग रिएक्शन पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एम्फोसाइज करें. ओके, सो दिस रिएक्शन इज टू मच इम्पॉर्टेंट. अगेन नाउ वी वर एट हाइड्रोकार्बन. So we have taken alkenes. Now we should take alkenes. Ab if you remember class plus one, this reaction is also done in class plus one by Markovnik and anti-Markovnik off rule. Okay? While you are taking कोई भी alkene and reacting with like HCl
So according to Markovnikov rule, negative part go towards that carbon atom which have lesser number of hydrogen. So they are going towards this. Okay, this is called Markovnikov rule. And when does anti-Markovnikov rule operate? In the presence of only HBr and in the presence of peroxide. अगर एच बी आर होगा एंड पर ऑक्साइड होगा एंड अब एंटी मार्कोनिक में क्या है, नेगेटिव पार्ट गो टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड मैकेनिज्म यू हैव डन इन क्लास प्लस वन अगेन. अब दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रिएक्शन कहीं ना कहीं कन्वर्जन्स में यूज हो जाती है. इफ कन्वर्जन विल कम तो ये रिएक्शन कन्वर्जन्स में यूज होती है बेटे. ठीक है, अगर सीधा आप HCl HBr ऐड करते हो एल्कीन में तो नेगेटिव पार्ट वो कार्बन एटम पे जाता है जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. इसे ऑपोजिट अगर आप HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. एज सच ये कंप्लीट द रिएक्शन नहीं आएगी, एज सच ये नहीं बोलेंगे आपको रिएक्शन लिखो. अगर आएगी तो इट विल यूज इन कन्वर्जन्स. तो आपका तब दिमाग चलता है कि कहाँ पे हम ये रिएक्शन डाल सकते हैं. व्हेन वी विल डू कन्वर्जन आई विल टेल यू. ठीक है, तो this is from alkene. okay, now agar simple hum peroxide dal dein to anti markovnikov rule ho gaya. agar let me take one more example. ab ye hcl aur hi wagaira se react kiya hai. agar main bolu you have to react with chlorine. theek hai, अगर आप सिंपल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो तो एक क्लोरीन यहाँ चली जाएगी, दूसरा क्लोरीन का एटम यहाँ चला जाएगा और आपके पास डाई क्लोराइड बन जाता है. बन जाते हैं बेटे. मगर अगर यही क्लोरीन आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो या हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हो, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन्स बनते हैं, इस रिएक्शन में बेटे कार्बोकेटाइन्स बनते हैं. इस रिएक्शन में जब हम हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है इसमें. और ये रिएक्शन थी एडिशन रिएक्शन. इसमें ऐड हुआ है, इसमें ऐड नहीं होगा. इसमें ये जो एलाइल पोजीशन कहते हैं इसको, इस पोजीशन पे क्लोरीन आके नहीं लगेगा, इस पोजीशन पे क्लोरीन आके लगेगा और H को सब्स्टिट्यूट करेगा. ठीक है, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड Cl 2 और एक Cl बचा, ये H के साथ लग जाएगा. तो अगेन ये रिएक्शन कन्वर्जन्स में यूज होगी. याद रखो बेटे, सीधा अगर क्लोरीन रिएक्ट करते हो तो ऐड होगा. अगर जैसे ही आप टेम्परेचर दे देते हो तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाती है. इसे कहते हैं एलाइल क्लोराइड बनना. इस चीज को कहा जाता है एलाइल. तो ये आपके एलाइल क्लोराइड. वैसे अगर आप NBS लगाओ तो एलाइल ब्रोमाइड या सल्फेराइल क्लोराइड लगी हो तब भी. मगर आप एक ही याद रखो, कन्वर्जन में हमें एक ही सफिशियंट है. ठीक है, अदरवाइज कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है कि आपको या कंप्लीट द फॉर्म में आ जाए या आपको नेमिंग की फॉर्म में आ जाए. ठीक, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. और ये वाली जो रिएक्शन है सिर्फ एल्काइल ब्रोमाइड बनाने में हेल्प करती है. फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ
फैटी एसिड, ठीक, सिल्वर एजी एसिड CH3COO, ठीक, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ट्रीटिंग विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट एंड गिविंग रिफ्लक्स टू द रिएक्शन. रिफ्लक्स कंडेंसर अटैच करोगे, कंडेंसर अटैच करोगे. आई शो यू द कंडेंसर. यहाँ पे पाइप रन होती है, आप जरा देखना, जैसे डिस्टिलेशन में होती है, ठीक है. थोड़ी आई डोंट सी ड्रॉइंग, तो ऐसे पाइप रन होगी. हेयर यू विल गेट वाटर इन इट. यहाँ पे आउटलेट लगा होता है और जो इथेनॉल वेपोरेट कुछ भी वेपोरेट हो रहा है वो कंडेंस बैक हो जाता है, ठीक है. रीफ्लक्स का मतलब है कि दोबारा फ्लक्स इन करना. तो यहाँ पे आपको बेटे मिथाइल ब्रोमाइड मिली, साथ में AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, इसमें सिर्फ एल्काइल ब्रोमाइड बनती हैं और द नेम ऑफ द रिएक्शन इज बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन, ओके. नेम ऑफ द रिएक्शन इज दिस. और इफ आप यही सॉल्ट ले लो और आयोडीन के साथ रिएक्ट कर दो तो यू विल गेट एन एस्टर रेदर देन एल्काइल हेलाइड. यू विल नॉट गेट एनी एल्काइल हेलाइड, यू विल गेट एन एस्टर्स. यू विल टेक CH3COOAg and you are acting with iodine and refluxing it, you will get esters. ठीक, you will get with esters. Now the reaction is known as Binbaum-Simony. You haven't to do this is for the competition. Ab what to remember, the preparation is finished. I will give you the chart ki aapne kaise yaad karna hai isko. From alcohols, that is Grew's process is very much important bete, theek, in which you will react alcohol with HCl with zinc chloride, you will get ethyl chloride, okay, and water. Next you will remember always Darzan's process in which you will react alcohol with thionyl chloride in pyridine as a solvent and you will get ethyl chloride. ye alcohol se yaad karne wali hai. ab aaj jo alkane se yaad karne wali, alkane se bete aapko yaad karne wali sirf Schwartz reaction hai. Schwartz reaction jisme humne alkyl fluorides banayi hai, theek hai. uske baad आपको याद रखनी है एल्कीन. एल्कीन से आपको एल्कीन की रिएक्शन आप सिर्फ HBr के साथ ही रिएक्ट कर लो कि कन्वर्जेंस में हेल्प करेगी. डायरेक्ट क्या होती है एल्कीन की रिएक्शन HBr के प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में कैसे होती है, अगेन दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और एल्कीन की रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन और टेम्परेचर ज़्यादा देख के करोगे तो क्या होता है. उसके बाद नेमिंग रिएक्शन में फिंकलस्टीन
जिसमें आपने किसी भी अल्काइल हैलाइड को लेके NaI और एसीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना है, ठीक है? ये सिर्फ आयोडो के लिए होती है, ये सिर्फ क्लोरोस के लिए होती है, और जो अभी करी है दैट इज हंस डीकर बोरोडाइन, जिसमें हमने इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे आयोडीन के साथ रिएक्ट किया। दिस इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, जितनी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करने वाली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? यू विल रिएक्ट विद ब्रोमीन, यू विल गेट एथाइल ब्रोमाइड, दैट इज हंस डीकर बोरोडाइन। वो भी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप प्रिपरेशन करो तो पहले ये सारी रिएक्शन देखो, यहाँ पे नेमिंग ऐड कर लो, हंस डीकर बोरोडाइन। So these are important from the preparation. From the chemical property, there are nucleophilic substitution, we'll see. Okay, and we'll meet tomorrow.